हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सिन्हा आज आपको किलकेरिया फ्लोर के बारे में बताऊंगी। और आप लोग कैसे हैं? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किलकेरिया फ्लोर शरीर में बोन के सरफेस पे, दांत के एलामाइस पे और इलास्टिक फाइबर में पाया जाता है। शरीर में जहाँ जहाँ भी इलास्टिक फाइबर है वहाँ वहाँ भी किलकेरिया फ्लोर होगा, जैसे एपिडर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब जगह पे किलकेरिया फ्लोर होता है। अगर इसके संतुलन में खलल होगा या डिस्टर्ब होगा तो ये तकलीफ़ दे सकता है। ये ब्लड के सरफेस पे डिपॉजिट होने लगते हैं। ये एलिमेंट क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। बहुत खूबसूरत होते हैं और इनके क्रिस्टल का शेप क्यूबिकल होता है। और ज़रूरी नहीं कि इन क्रिस्टल का कलर एक ही हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इन क्रिस्टल को अगर गर्म किया जाए तो कुछ क्रिस्टल में से ग्रीन फ्यूल निकलते हैं और कुछ में पर्पल कलर के लाइट निकलते हैं। कंटिन्यू डाइल्यूशन का फेस हो जाता है या रिलैक्सेशन का फेस होता है। इन दोनों अवस्था में पेशेंट को तकलीफ होती है। एक्सुलेशन मतलब रसाव, और वो रसाव एब्जॉर्ब नहीं होता या उन्हें बाहर नहीं फेंका जाता है, क्योंकि कंट्रैक्शन करने की जो क्षमता होती है या इलास्टिक फाइबर की वो लॉस हो जाती है। वो रिलैक्स फेस होने लगती है अगर ये ग्लैंड में डिपॉजिट होने लगेंगे तो। ग्लैंड में स्टोन हाइड्रेंस आ जाता है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे आपको हाइड्रेंस होता है तो आप ये दवा ना भूलें, किलकेरिया फ्लोर 30 CH पोटेंसी में। सिम्टम्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इस दवा से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप वहां मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में कहीं भी इस तरह का करक या हार्ड बॉडी लगे तो आप किलकेरिया फ्लोर 30 में ज़रूर यूज करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।